अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लैलतुल कदर के बारे में बात करेंगे। आप भी जानते हैं कि इसकी जो चार रातें हैं वो गुज़र चुकी हैं, एक रात हमारे पास बाकी है और वो है आज की रात, मतलब कि 28वां रोज़ा जैसे ही मुकम्मल होगा और 29 की रात होगी, ठीक है, 29वीं रात, 29वीं शब। तो दोस्तों, हमारे पास लैलतुल कदर, शब कदर की एक रात बाकी है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो हमारे पास ये मौका है। पता नहीं हमें अगले साल ये मौका मिलेगा भी कि नहीं। देखें, लैलतुल कदर एक ऐसी रात है कि इसकी दलील कुरान से है, कोई किसी का भी इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज़ है। अगली आयत का तर्जमा मैं आपको सुनाता हूँ, उससे पहले मैं एक बात बताऊँ कि कुछ सहाबा, एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, बहुत से जो पिछली उम्मतें थीं, ठीक है, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थीं, तो इसलिए उन्होंने इबादत भी ज़्यादा की तो उनका मकाम भी हमसे ज़्यादा होगा, तो हमारी तो उम्रें ही छोटी छोटी हैं, तो हम तो इतनी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा मकाम भी नीचे होगा। तो उसके बाद ये सूरत नाजल हुई। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। मेरे दोस्तों, ये रात आज हमारे पास है, ये 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर मतलब एक रात को, अगर कोई बंदा इसकी एक रात को पा ले तो वो 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है, ठीक है। एक बंदा पूरे 83 साल इबादत करता है और एक बंदा शब कदर की एक रात इबादत करता है, तो ये इसकी फजीलत जो है शब कदर की वो ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, ये वो रात है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, फ़ी मुबारका, और इसमें बरकत है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम है इस उम्मत पर। तो इसलिए हमें इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। आज मैं आपको इसमें 5 नमाज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिनकी बहुत ज़्यादा फसीलत है, जिनकी बहुत ज़्यादा शान है, आपने वो नमाज़ें ज़रूर पढ़नी हैं, ज़रूर बिल ज़रूर ये नमाज़ें आपने अदा करनी हैं। तो मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो मैं आपको नमाज बताऊँगा वो ये है कि आपने इस रात के अंदर सलातु तस्बीह, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान की जाती है, आपने ये नमाज ज़रूर पढ़नी है। और ये 4 रकत की नमाज है। इसका जो प्रैक्टिकल तरीका है, मतलब मैंने खुद पढ़ के इसकी वीडियो बना के मैंने ये जो है कल अपलोड की थी, अगर आपको नहीं पढ़ना आती तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और दूसरी नमाज, आपने मगरिब के बाद अवाबीन के 6 नफल ये ज़रूर अदा करने हैं, क्योंकि ये रमज़ान से अलहदा, रमज़ान अगर ना भी हो, अगर कोई बंदा ये 6 रकत नफल पढ़े तो उसको 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो अब तो रमज़ान चल रहा है, इसके अंदर तो बंदा कोई 1 रकत पढ़े, 2 रकत पढ़े तो वो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो मेरे दोस्तों, अगर रमज़ान भी हो और फिर शब कदर भी हो तो फिर क्या मुकाम होगा इस नमाज का। और तीसरे नंबर पर आपने सलातु तौबा, इसका पढ़ने का बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है आपने जैसे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नियत करनी है कि सलातु तौबा की आपने नियत कर लेनी है, ये 2 रकत पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मगफिरत मांगें, तौबा करें, ठीक हो गया। तो अभी जो है चौथे नंबर पर आपको वो नमाज बताने लगा हूँ कि फ़र्ज नमाजों के बाद जिसका सबसे ऊंचा मकाम है, फ़र्ज नमाजों के बाद, वो है तहज्जुद की नमाज। आप इसकी 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं, इस पे भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बना दी है, इसमें कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए ये भी बता दिया है, ठीक है। आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तहज्जुद की 2 भी पढ़ सकते हैं आप, 4 भी पढ़ सकते हैं। 5वें नंबर पर आपने ये काम करना है, देखें करना तो बंदे को पूरा साल चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें किसी को कोई काम होता है, वो घर पे नमाज़ पढ़ लेता है या इस तरह, नहीं, आप इस रात क्या करेंगे, आज जो शाम की 29 की
जो भी ताक रात है इसकी ईशा की नमाज बाजमात पढ़ें और सुबह उठ के फजर की नमाज बाजमात अदा करें। ठीक है, ये दो काम आपने करने हैं। इससे क्या है, हदीस पाक में आता है कि जो बंदा इस तरह करता है तो फरिश्ते पूरी रात उसका इबादत का सवाब लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने ये जो मैंने आपको पांच नमाजें बताई हैं, आपने ये ज़रूर पढ़नी है। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल कदर पाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान थे और इस रमज़ान में नहीं हैं, तो इसलिए हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी बख्शिश करवानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास ये मौका है, इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। और जितना हो सके, अल्लाह रब्बुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना हो सके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जन्नत का सवाल करना है हमने अल्लाह से, ठीक है, और फिर जहन्नम की आग से बचने का, ऐ अल्लाह उस आग से बचा जिसका तूने अपनी किताब में ज़िक्र किया। उम्मीद है आपको मेरी बात की ज़रूर समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों की परेशानियां दूर फरमाए और ईद जो है अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।